यस, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 8.3 से जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है, क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का यह सेशन अपना। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दिया हुआ है कि वक्र वाई बराबर साइन स्क्वायर एक्स के बिंदु पाई बाई थ्री कोमा थ्री पाई बाई थ्री बाई फोर पर अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए। ओके, तो अभिलंब का समीकरण ज्ञात करने के लिए हमें बिंदु चाहिए और डी वाई बाई डी एक्स का मान चाहिए। ओके, तो यहाँ पर बिंदु दिया हुआ है, तो आपको सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करने के लिए, जैसा कि अपन ने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा है कि आपको वक्र की समीकरण का अवकलन करना होता है, तो आप लिखें वक्र की समीकरण का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो इसका जब आप अवकलन करेंगे तो यह हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स का अवकलन होगा तीन बार, पहले घात का, फिर साइन का और फिर एक्स का। तो यह हो जाएगा टू साइन एक्स इंटू साइन एक्स का अवकलन कोस एक्स और एक्स का अवकलन एक। ओके, तो यहाँ से हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू आई वह है, एज इट इज लिख दीजिए इसे, टू साइन एक्स कोस एक्स। ओके, अब आप देखें कि जो ढाल है वह संख्यात्मक मान नहीं है, तो यहाँ पे आप एक्स की जगह एक्स की वैल्यू पुट करें दिए गए बिंदु से, ताकि हमें संख्यात्मक मान मिले। तो आप लिखें समीकरण एक में एक्स बराबर पाई बाई थ्री रखने पर, क्योंकि दिए गए बिंदु में x की जो वैल्यू है वह पाई बाई थ्री है, तो यहाँ पे यह बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई थ्री इज इक्वल टू टू साइन पाई बाई थ्री इंटू कोस पाई बाई थ्री। ओके, अब आप इसको सॉल्व करें तो डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू मिली हमें वह है टू इंटू साइन पाई बाई थ्री मीन 60 डिग्री, तो साइन 60 की वैल्यू होती है रूट थ्री बाई टू और कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2। तो इस टू से यह टू कैंसिल हो जाएगा, तो आप यहां पर लिख सकते हैं कि अतः डी वाई बाई डी एक्स का मान जो हमें मिला, इसकी जो ढाल है वह है रूट 3/2। ओके, तो अब आपके पास बिंदु भी है और ढाल का मान भी है, तो आप अभिलंब की समीकरण लिख सकते हैं। तो आप लिखें अतः अभिलंब की समीकरण, तो पहले फॉर्मूला अप्लाई करें y माइनस y1 इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स माइनस x1, वैल्यूज पुट करेंगे तो यह आपका x1 बन जाएगा और यह y1, तो यह हो गया y माइनस 3 अपॉन 4 इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू है रूट 3/2 इंटू एक्स माइनस एक्स वन की वैल्यू दिए गए बिंदु से है पाई बाई थ्री। ओके, तो यहाँ से अब आप इस टू को ऊपर लिख सकते हैं, तो यह बन जाएगा 4 एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पर, 4y-3 इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन रूट 3 इंटू यहाँ पर आप 3 को लघुतम ले लें 3x-π। ओके, अब इसको अपन और सरल कर लेते हैं, तो आप देखें कि यहाँ से जो 3√3 है वह इस साइड में मल्टीप्लाई होगा और जो 4 है वह RHS में मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं इन्हें, तो यह बन जाएगा आपका 3√3 इंटू 4y-3 इज इक्वल टू 4 को मल्टीप्लाई करेंगे -8 3x-π। ओके, तो अब आप इसे और सरल कर दीजिए फर्दर, तो यह हो जाएगा आपका 12√3y-3 × 3 = 9√3 इज इक्वल टू -24x+8π। ओके, तो अब जब आप इसको सरल करेंगे तो यह बन जाएगा आपका 24x लेफ्ट साइड में लाएंगे तो यह प्लस का हो जाएगा, प्लस 12√3y इज इक्वल टू 8π प्लस
9√3। ओके, यह इस क्वेश्चन के लिए अभिलंब की समीकरण होगी। ओके, तो सिंपल सा क्वेश्चन था, बिंदु दिया हुआ था, संख्यात्मक मान ज्ञात करेंगे ढाल का और फिर समीकरण का जो फॉर्मूला होता है वहाँ पे वैल्यूज को पुट कर देंगे और उसे फिर सोल्व कर लेंगे। ओके, तो यह आपका क्वेश्चन नंबर 7 था। नेक्स्ट अब अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ओके, तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, तो जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसमें हमें अभिलंब व सरल रेखा के समीकरण ज्ञात करने हैं। ओके, दोनों इक्वेशन पूछी गई है आपसे, स्पर्श रेखा का समीकरण भी पूछा गया है और साथ ही साथ अभिलंब का समीकरण भी पूछा गया है। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास वह आपको दिया हुआ है कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 और बिंदु दिया गया है आपका x बराबर 3 पर। ओके, तो अब आप देखिए यहाँ पर हमें बिंदु दिया हुआ है, मीन्स x की वैल्यू दी हुई है, तो आपको सबसे पहले वक्र की समीकरण का अवकलन करके dy बाई dx का संख्यात्मक मान ज्ञात करना होगा। तो आप लिखें x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यह बन जाएगा आपका dy बाई dx इज इक्वल टू 2x प्लस 4। ओके, इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट माने। अब यदि मैं यहाँ पे x की वैल्यू पुट करता हूँ तो dy बाई dx की संख्यात्मक वैल्यू मिलती है, तो आप x का मान रखें यहाँ पर, तो लिखें आप समीकरण 1 में x का मान रखने पर, क्योंकि हमें dy बाई dx की संख्यात्मक वैल्यू चाहिए होगी तो इसलिए x का मान रखना ही होगा। तो dy बाई dx का जो मान है वह हो जाएगा 2 इंटू 3 प्लस 4, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यह हो गया 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 10। ओके, तो अतः यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास dy बाई dx की संख्यात्मक वैल्यू आ गई है 10। ओके, अब आप जब समीकरण लिखते हैं तो हमें बिंदु चाहिए होता है, तो यहाँ पर केवल x की वैल्यू दी हुई है बट हमें y की वैल्यू भी चाहिए होगी, तो y की वैल्यू आप यहाँ पे x का मान रखेंगे जब वक्र में, तो हमें y का मान प्राप्त हो जाएगा। तो आप लिखें y का मान ज्ञात करने के लिए, y का मान ज्ञात करने के लिए वक्र की समीकरण में x बराबर 3 रखने पर, क्योंकि बिंदु में x और y दोनों की वैल्यू चाहिए होती है अपन जब इक्वेशन लिखते हैं, तो इसलिए आपको y का मान चाहिए होगा। तो यह बन जाएगा y इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 इंटू 3 हो जाएगा आपका 12 प्लस 1, तो यहाँ से y की वैल्यू हमें मिल गई 22। ओके, तो आप लिख सकते हैं कि अतः अभीष्ट बिंदु जो है वह है आपका x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 22। ओके, अब आप इसके लिए समीकरण लिखेंगे, तो आप लिखें कि अतः स्पर्श रेखा का समीकरण, तो यह हो जाएगा आपका y माइनस y1 इज इक्वल टू dy बाई dx इंटू x माइनस x1 से। वैल्यूज को पुट करें आप यहाँ पर, तो y माइनस y1 की वैल्यू है 22 दिए गए बिंदु से, इज इक्वल टू dy बाई dx की वैल्यू आपने अभी 10 फाइंड की थी, x माइनस x1, x1 मीन्स 3, इसको सॉल्व कीजिए, तो y माइनस 22 इज इक्वल टू 10x माइनस 30। तो अब जब आप इसको और सरल करेंगे तो यह बन जाएगा आपका 10x माइनस y, 22 साइड में जाएगा तो प्लस होगा, तो मीन्स माइनस 8। ओके, यह आपका इस क्वेश्चन के लिए स्पर्श रेखा का समीकरण है। नेक्स्ट अब आपको इसी के लिए अभिलंब का समीकरण भी चाहिए, तो आप लिखें अभिलंब का समीकरण, तो अभिलंब के समीकरण के लिए फॉर्मूला होता है आपका y माइनस y1, तो y1 की वैल्यू आपकी 22 ही रहेगी,
इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू है 10 और एक्स माइनस 3। ओके, अब आप इसको इधर मल्टीप्लाई करें तो यह बन गया आपका 10y माइनस 220 इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 3। अब आप इन वैल्यूज को इस साइड में ले आए तो यह बन जाएगा एक्स प्लस 10y माइनस 223 इज इक्वल टू 0, जो कि दिए गए प्रश्न के लिए अभिलंब की समीकरण है। ओके, तो इस प्रकार से आपको यह क्वेश्चन सोल्व करना है। यस, अब अपन देखते हैं नेक्स्ट इसका बी पार्ट। तो बी पार्ट भी आपका एज इट इज फर्स्ट पार्ट के जैसा ही है बिल्कुल, तो इसको आप स्वयं हल करें। ओके, तो यह आपके लिए होमवर्क है, इसको आप स्वयं हल करें और मेरे को सेंड करें। तो इसको आप नोट कर लें, इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यस, अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी और डी पार्ट इसके। तो सी पार्ट में आपको दिया हुआ है एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर और बिंदु भी दिया हुआ है, तो यह क्वेश्चन आप स्वयं हल कर सकते हैं। और इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर जो डी पार्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 8 का, उसे भी आप स्वयं हल कर सकते हैं। ओके, तो इन दोनों क्वेश्चन को भी आप स्वयं हल करेंगे, यह आपके लिए होमवर्क है, और फिर मुझे इसको सेंड जरूर करें। ओके, इन्हें आप आसानी से हल कर सकते हैं, यदि आपने लास्ट के जो 2-3 वीडियो हैं वे अगर देखे हैं ढंग से तो यह आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ई पार्ट जो है इसका, उसे। तो इसमें भी आपको स्पर्श रेखा और अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना है, तो आप एक्स के सापेक्ष अवकलन करें। एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो एक्स स्क्वायर का अवकलन होगा 2x और बटा में ए स्क्वायर एज इट इज रहेगा, माइनस वाई स्क्वायर का अवकलन 2y और फिर y का अवकलन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ओके, अब आप इसको और सरल कीजिए फर्दर, तो 2x अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2y अपॉन बी स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स, तो इस 2 से यह 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से आप डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं कि अतः डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू यह जो बी स्क्वायर बटा में यह इस साइड में आएगा तो ऊपर होगा बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर इंटू वाई अपॉन एक्स अपॉन वाई, कि यह जो वाई है वह इधर अंश में है तो लेफ्ट साइड में जब आप लेंगे इसे तो बटा में आएगा, तो यह है हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आई। अब आप यहाँ पर देखें कि डी वाई बाई डी एक्स का जो मान दिया हुआ है वह एक्स और वाई के फॉर्म में आ रहा है और हमें चाहिए होता है संख्यात्मक मान, तो यहाँ पे आप एक्स और वाई की जगह पे वैल्यूज पुट करें। तो आप लिखें समीकरण 1 में एक्स व वाई का मान रखने पर, तो यह बन जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू एक्स की जगह पे आप वैल्यू रखेंगे ए सेक थीटा बटा बी टेन थीटा। ओके, तो इस बी से यह पावर कैंसिल और इस ए से यह पावर कैंसिल हो जाएगी, तो और साथ में आप इसे अब लिख सकते हैं कि बी अपॉन ए इंटू सेक को अपन लिख सकते हैं 1 अपॉन cos थीटा, इसी प्रकार से टेन को लिखा जा सकता है साइन बटा कोस, तो कोस से कोस भी कैंसिल हो जाएगा, तो अतः यहाँ पे हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स का जो संख्यात्मक मान है वह आपको मिला बी अपॉन ए साइन थीटा। ओके, यह हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स का संख्यात्मक मान आया। अब आप देखें कि हमारे पास बिंदु भी है और ढाल का मान भी है, तो आप स्पर्श रेखा और अभिलंब का समीकरण लिख सकते हैं। तो आप लिखें कि अतः स्पर्श रेखा का समीकरण फॉर्मूला लिखेंगे y माइनस वाई वन इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स वन, तो यह हो जाएगा y माइनस वाई वन की वैल्यू दिए गए बिंदु से यह एक्स वन और यह वाई वन होगा, तो y माइनस बी टेन थीटा इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू है बी अपॉन ए साइन थीटा। ओके, इंटू एक्स माइनस एक्स वन की वैल्यू है आपके पास ए
सेक थीटा। ओके, अब इसको अपन सरल कर लेते हैं। तो जब आप इसको सरल करेंगे तो यह बन जाएगा आपका y माइनस बी, टेन को लिख सकते हैं अपन साइन अपॉन कोस, इज इक्वल टू बी अपॉन ए साइन थीटा, और यह हो जाएगा x माइनस ए अपॉन कोस थीटा। ओके, सेक को लिख दिया अपन ने वन अपॉन कोस, और टेन थीटा को लिखा साइन बटा कोस। अब आप इसको और फर्दर सॉल्व करें तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में अपन कोस थीटा को लघुतम ले लेंगे, तो कोस थीटा वाई से मल्टीप्लाई होगा, तो यह बन जाएगा वाई इंटू कोस थीटा माइनस बी साइन थीटा। ओके, इज इक्वल टू बी अपॉन ए साइन थीटा एज इट इज़ रहेगा। और यहाँ पर भी आप कोस थीटा को लघुतम लें, तो कोस थीटा को जब आप लघुतम लेंगे तो यह हो जाएगा आपका एक्स इंटू कोस थीटा माइनस ए। ओके, अब आप इस कोस से इस कोस को कैंसिल कर सकते हैं, और साथ में ही इस ए साइन थीटा को इस साइड में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यह बन जाएगा आपका ए वाई साइन थीटा कोस थीटा माइनस ए बी साइन स्क्वायर थीटा। ओके, ए इंटू वाई कोस थीटा इंटू साइन थीटा, फिर माइनस ए बी साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू बी एक्स कोस थीटा माइनस ए बी। ओके, तो अब आप यहाँ पर देखें कि यह जो माइनस ए बी है इसको आप लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दीजिए और इसको राइट साइड में, तो यह हो गया आपका ए बी माइनस ए बी साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू बी एक्स कोस थीटा, बी एक्स कोस थीटा माइनस ए वाई साइन थीटा कोस थीटा। ओके, अब आप जब यहाँ से ए बी को कॉमन लेंगे, तो ए बी को यदि आप कॉमन लेंगे तो यह बन जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से आप कोस थीटा कॉमन ले सकते हैं, तो यह हो गया बी एक्स माइनस ए वाई साइन थीटा। ओके, तो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह अपन लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा बराबर कोस थीटा इंटू बी एक्स माइनस ए वाई साइन थीटा, और इस स्क्वायर से यह कोस है जो कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास समीकरण बनी बी एक्स माइनस ए वाई साइन थीटा इज इक्वल टू ए बी कोस थीटा। ओके, ए बी कोस थीटा, अब अपन इस समीकरण में ए बी कोस थीटा से डिवाइड कर देते हैं, तो आप लिखें ए बी कोस थीटा का भाग देने पर, तो यह बन जाएगा बी एक्स अपॉन ए बी कोस थीटा माइनस ए वाई साइन थीटा अपॉन ए बी कोस थीटा इज इक्वल टू ए बी कोस थीटा अपॉन ए बी कोस थीटा। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर बी से बी कैंसिल, यहाँ पर ए से ए कैंसिल, तो यह बन गया आपका एक्स अपॉन ए इंटू वन अपॉन कोस को आप लिख सकते हैं सेक थीटा माइनस वाई अपॉन बी साइन बटा कोस को अपन लिख सकते हैं टेन थीटा इज इक्वल टू वन, जो कि दिए गए क्वेश्चन के लिए स्पर्श रेखा का समीकरण है। ओके, लिख सकते हैं जो कि अभीष्ट स्पर्श रेखा का समीकरण है। ओके, अब इसके बाद में हमें इसी पार्ट में अभिलंब के लिए भी समीकरण ज्ञात करना है, तो आप वापस से लिखें कि अभिलंब का समीकरण, तो इसके लिए इसका फॉर्मूला लिखें y माइनस वाई वन इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ओके, यह इसका फॉर्मूला होता है। अब आप इसके भी यहाँ पर वैल्यूज को पुट करें, तो यह हो जाएगा y माइनस वाई वन की वैल्यू है b टेन थीटा
इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू थी वह थी आपकी बी अपॉन ए साइन थीटा, ओके, इंटू एक्स माइनस एक्स वन की वैल्यू है आपके पास ए सेक थीटा। अब यहाँ से आप इसको सरल कर लीजिए पहले, तो यह हो जाएगा आपका वाई माइनस बी साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इज इक्वल टू माइनस ए साइन थीटा अपॉन बी इंटू एक्स माइनस ए अपॉन कोस थीटा, ओके। इसको अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब आप यहाँ पर इसको और फर्दर सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ पे कोस थीटा को लघुत्तम ले लेंगे अपन, तो यह बन जाएगा वाई कोस थीटा माइनस बी साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस ए साइन थीटा अपॉन बी इंटू, जब यहाँ पे आप कोस थीटा लघुत्तम लेंगे तो यह हो जाएगा एक्स कोस थीटा माइनस ए, ओके। कोस थीटा से कोस थीटा को कैंसिल कर सकते हैं अपन, तो नेक्स्ट लाइन जो बनेगी वह हो जाएगी आप इस जो बटा में बी है इसको आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करें, तो यह बन जाएगा बी वाई कोस थीटा माइनस बी स्क्वायर, बी इंटू बी, बी स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर साइन थीटा इज इक्वल टू, इस वैल्यू को अंदर मल्टीप्लाई करें, माइनस ए एक्स कोस थीटा साइन थीटा, और प्लस यह बन जाएगा आपका माइनस और माइनस प्लस का ए स्क्वायर साइन थीटा, ओके। तो अब आप यहाँ से देखें कि इन वैल्यूज को इस साइड में शिफ्ट कर लीजिए, इसको इस साइड में शिफ्ट कर देंगे और इसको राइट साइड में, तो यह बन जाएगा आपका ए एक्स कोस थीटा साइन थीटा प्लस बी वाई कोस थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर साइन थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन थीटा, ओके। यहाँ से आप कोस थीटा को कॉमन ले सकते हैं, तो यह हो जाएगा आपका, या फिर इसको ऐसे ही रहने दीजिए, ए एक्स कोस थीटा साइन थीटा प्लस बी वाई कोस थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू साइन थीटा, ओके। वहाँ से आरएचएस से आपने साइन थीटा को कॉमन ले लिया, अब साइन थीटा से आप इसे डिवाइड कर दीजिए, लिखें आप साइन थीटा का भाग देने पर, तो यह हो जाएगा आपका ए एक्स कोस थीटा साइन थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस बी वाई कोस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू साइन थीटा अपॉन साइन थीटा, ओके। तो यहाँ पे साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, यहाँ पर भी कैंसिल, तो यह बन गया ए एक्स इंटू कोस थीटा प्लस बी वाई इंटू कोस बटा साइन को आप लिख सकते हैं कोट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ओके, जो कि अभिलंब की अभीष्ट समीकरण है, ओके। तो इस प्रकार से आपको यह जो ई पार्ट है उसे सॉल्व करना है, थोड़ा सा ध्यान रखना है क्वेश्चन में किस प्रकार से हमें कॉमन लेना है वैल्यूज को, किस प्रकार से यह डिवाइड हो रहे हैं, तो आप इसको अच्छे से सॉल्व ज़रूर करें ई पार्ट को। इसके बाद में नेक्स्ट इसका जो एफ पार्ट है वह आप देखें, तो एफ पार्ट में हमें दिया हुआ है टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस वन, और बिंदु दिया हुआ है आपको वन कोमा माइनस टू पर। तो इजी क्वेश्चन है, पहले आपको अवकलन करना है और फिर x के स्थान पे वन रखेंगे तो हमें संख्यात्मक मान मिल जाएगा ढाल का, और बिंदु दिया हुआ है तो फिर आप समीकरण लिख सकते हैं, ओके। तो यह आप स्वयं ही करेंगे। नेक्स्ट देखें आप जी,
तो जी जो है वह दिया हुआ है आपको एक्स इज इक्वल टू 80 स्क्वायर और वाई की वैल्यू हमें दी हुई है 280। ओके, और साथ में दिया हुआ है कि टी इज इक्वल टू 1 पर लेना है। तो इसके जैसा अपन ने क्वेश्चन कर लिया है एक्सरसाइज में, तो उसके जैसे आप इसको स्वयं हल कर सकते हैं। पहले आपको dx अपॉन dt फाइंड करना होगा, यहाँ पर dy अपॉन dt फाइंड करेंगे, फिर समीकरण दो में जब आप एक का भाग देंगे तो हमें dy बाई dx प्राप्त होगा, और फिर उसमें t की वैल्यू 1 रखेंगे तो dy बाई dx का संख्यात्मक मान मिल जाएगा। ओके, और लास्ट में बिंदु ज्ञात करने के लिए आप दोनों जगह पर टी का मान 1 रखेंगे तो एक्स और वाई की वैल्यू मिल जाएगी हमें, इस प्रकार से बिंदु प्राप्त होगा। तो एज इट इज क्वेश्चन अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो यह भी आप स्वयं हल करें। लास्ट इसका पार्ट है एच, उसमें आपको दिया हुआ है कि एक्स इज इक्वल टू है थीटा प्लस साइन थीटा और वाई की वैल्यू दी हुई है आपको 1 माइनस कोस थीटा, और यहाँ पे आपको थीटा बराबर पाई बाई 2 पर यह वैल्यू फाइंड करनी है। तो यह भी बिल्कुल जी जो पार्ट है उसके जैसे ही सोलो होगा। पहले आपको यहाँ पर dx अपॉन d थीटा की वैल्यू फाइंड करनी होगी, इसके लिए आपको dy अपॉन d थीटा की वैल्यू फाइंड करनी होगी। इसे आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसे इक्वेशन नंबर सेकेंड माने, फिर 2 से जब आप 1 को डिवाइड करेंगे तो dy अपॉन d थीटा अपॉन dx अपॉन d थीटा से हमें जो भी वैल्यू मिलेगी वहाँ से dy बाई dx का मान मिल जाएगा आपको। ओके, संख्यात्मक मान, और फिर लास्ट में आप x और y में थीटा बराबर पाई बाई 2 रखेंगे तो बिंदु प्राप्त होगा। ओके, तो फिर जब आपके पास ढाल का संख्यात्मक मान होगा और साथ में बिंदु होगा तो अपन स्पर्श रेखा एवं अभिलंब की समीकरण लिख सकते हैं। ओके, तो आज के इस लेक्चर में इतना ही मैटर डिस्कस करेंगे। इससे आगे का जो पार्ट है एक्सरसाइज 8.5 से रिलेटेड, क्योंकि जो एक्सरसाइज 8.4 है वह आपकी यहाँ पे एक बार जो नया पाठ्यक्रम आया है उसके अनुसार हटा दी गई है, तो अपन अब नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 8.5 की थ्योरी डिस्कस करेंगे। ओके, तो आप उसे अच्छे से समझें, और जहाँ पर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो वह आप मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।